मसीह की। आप सबका धन्यवाद। आप बैठ जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है, बड़े बड़े छुटकारों को करता है। लोग अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में उस बड़े काम के लिए बड़ा विश्वास नहीं होता है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, जितना बड़ा आपका विश्वास है उतना ही बड़ा आपके लिए चमत्कार है। आमीन। और विश्वास कैसा हो इस बात को भी समझे। आपका विश्वास मरा हुआ ना हो, आपका विश्वास जीवित विश्वास हो। आमीन। और जब विश्वास जीवित होता है तो विश्वास बोलता है। आमीन। आमीन। लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वो क्या विश्वास करते हैं, क्या उसको वो अपने मुंह से बोलते हैं। जब आप विश्वास करते हैं किन्हीं बातों का और उन बातों को अपने मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका विश्वास जिंदा है। मरे हुए विश्वास से कुछ नहीं होता है, जिंदा विश्वास से होता है। और जिंदा विश्वास बोलता है। मरा हुआ व्यक्ति कभी बोलता है? बोलो। आदमी तो है वो, आप बोलेंगे जी आदमी है, औरत है जो मरा पड़ा है, लेकिन वो बोलता नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ है, वो मुर्दा है, और मुर्दा बोला नहीं करते हैं। इसी तरह विश्वास मन में पड़ा होता है, विश्वास मरा होता है, इसलिए उनका विश्वास बोलता नहीं, लेकिन जिनका विश्वास बोलता है उनका विश्वास जिंदा विश्वास होता है। और चमत्कार जिंदा विश्वास से हुआ करते हैं। आमीन। आमीन। जिन बातों को आप विश्वास करते हैं, क्या उन बातों को आप अपनी जुबान से बोलते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा होने के लिए जा रहा हूं, तो अपनी जुबान से बोले मैं चंगा होने के लिए जा रहा हूं। आमीन। अगर आपको विश्वास है, आपका विश्वास बोलना चाहिए। आमीन। आपको विश्वास है आपका कारोबार बढ़ने के लिए जा रहा है, तो अपने मुंह से बोलना शुरू करें कि मेरा कारोबार बढ़ने के लिए जा रहा है। ये जिंदा विश्वास है जो मुंह से बोला करता है, और जो मुंह से बोलेंगे विश्वास के साथ वो आपकी जिंदगी में होगा। बोलते हैं लोग, हाँ पास्टर जी विश्वास करती हूं, हाँ पास्टर जी विश्वास तो बहुत है, लेकिन जो आपके मन में विश्वास है क्या वो जुबान पर आता है? क्या आप उसी तरह की बातें करते हैं? अगर आप उसी तरह की बातें करते हैं तो आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। आमीन। अगर आपका विश्वास है कि प्रार्थनाओं से ये पथरी गुर्दे की चली जाएगी,
ये पत्री पृथ्वी की चली जाएगी तो आप मुझसे बोलते क्यों नहीं कि मेरे पिता की पत्री गायब होने के लिए जा रही है यीशु के नाम से, मेरे गुर्दे की पत्री गायब होने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। आपको विश्वास है 2022 में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो आप बोलते क्यों नहीं इसी 2022 में मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। विश्वास जब बड़ा हुआ होता है बातें नहीं करता है, विश्वास जब मुर्दा होता है बोला नहीं करता है, विश्वास जब जिंदा होता है वो बोला करता है। आमीन। वो बोलता है और बाइबिल में लिखा है मैं तेरे मुंह का फल का सर्जनहार हूं, मतलब जो तू जुबान से बोलेगा मैं उसको बना दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। आमीन। मैं आज आपको बाइबिल से एक घटना बताने के लिए जा रहा हूं राजा दाऊद की। और राजा दाऊद उस समय केवल लड़का ही था, 17 साल का था। उसके देश की दुश्मनी थी एक दूसरे देश के लोगों से, वो पलस्ती लोग थे और ये इसराइली लोग थे जो जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। दोनों की दुश्मनी थी और दोनों के बीच में युद्ध का ऐलान हो जाता है। दोनों देशों की फौज आमने सामने मैदान में आ जाती है और दुश्मन की फौज में एक बहुत लंबा तकड़ा बहुत बड़ा योद्धा होता है जिसमें जिसका मुकाबला इसराइली सेना में कोई भी नहीं कर पाता है। कोई उतना लंबा तकड़ा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, कोई इतना बहादुर नहीं इसराइल की सेना में। और ये योद्धा ये बोलता है सारी फौज से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे से तुम्हारा एक योद्धा लड़े और वो मुझे हरा दे। अगर उसने मुझे हरा दिया तो हम सब के सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर मैंने उसको हरा दिया तो तुम सब के सब हमारे गुलाम हो जाओगे। इसराइली सेना के लोग डर गए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसराइली सेना में इतना बड़ा योद्धा कोई भी नहीं है, सारे डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, राजा भी डर जाता है। और उसी समय क्या होता है, ये लड़का दाऊद अपने भाइयों को रोटियां देने मैदान में आता है और वो देखता है ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। वो देखता है ये हमारे लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, इनका परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। वो लड़का इस पलस्ती योद्धा की चुनौतियों को सुनता है, उसके चैलेंज को सुनता है, वो चैलेंज कर रहा है, कोई है तुम्हारे में से जो मेरा मुकाबला कर सके, कोई है तुम में से जो कोई मुझे हरा सके। और दाऊद इस बात को सहन नहीं कर पाता है, वो बोलता है इसकी क्या हिम्मत जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद बोलता है राजा के पास जाकर मैं जाऊंगा इसके साथ लड़ने के लिए, मैं इसको हराऊंगा। और राजा बोलता है अरे तू लड़का है और ये लड़कपन से ही योद्धा है, तेरे में इसमें बहुत फर्क है। लेकिन दाऊद बोलता है नहीं, परमेश्वर इसे मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद उसको अपने पुराने अनुभव बताता है, बोलता है मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूं और जब कोई शेर या भालू बकरी को उसके मेमने को उठा ले जाता है मैं उसको जा पकड़ता हूं और उसके जबड़े में से मेमने को चुरा लेता हूं। आमीन।
दाऊद बोलता है, मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा। दाऊद बोलता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के हाथ में से छुड़ाया, बचाया, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियात से, इस योद्धा के हाथ से भी बचाएगा। आमीन। और साउल उसके विश्वास को देखता है। साउल जीवित परमेश्वर को जानता है। साउल उसके विश्वास को देखता है कि इसका विश्वास जीवित विश्वास है, क्या नहीं, इसका विश्वास बोलता है। और जब इसका विश्वास ऐसा बोलता है तो परमेश्वर ऐसा ही करने के लिए जा रहा है। आमीन। और होता क्या है, बोलता है दाऊद को, जा जा उसके साथ युद्ध कर। और दाऊद जाता है लड़ने के लिए। एक गुलेल लेता, 5 पत्थर लेता, एक लाठी को हाथ में लेता है, मैदान में जाता है। और लाठी देखकर वो गोलियत, वो बड़ा योद्धा, बड़े गुस्से में आता, बोलता, मैं क्या कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को देखकर उसकी औकात उसे समझ में आ जाती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला समूएल अध्याय 17 उसका 40 से लेके 51 तक वचन को बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रख कर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। हालेलुया।
दाऊद 17 साल का लड़का गोलियत, जिसका मुकाबला इसराइल सेना में कोई भी नहीं कर सकता है, जिसका मुकाबला है ही नहीं, उस गोलियत के साथ 17 साल की उम्र में लाठी लेकर और गुलेल लेकर मुकाबला करने के लिए आता है। हालेलुया। और गोलियत उसको देखता, लड़का साई है, उसे बोलता है, कुत्ता समझा क्या जो लाठी लेकर आता है, उसको बोलता है आज तेरे मांस को चील और कब्बों को खिलाऊंगा। और दाऊद क्या बोलता है? दाऊद बोलता है आज मैं तेरे सिर को थड़ से अलग करूंगा और तेरे मांस को और तेरी सारी फौज को मारूंगा, तुझे मारूंगा और चील कौवों को, जंगली पसी पशुओं को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। ये 17 साल का लड़का ये नहीं बोलता है, इसका विश्वास बोल रहा है। ये बोलता है आज सारी इसराइली मंडली जान लेगी, सारी कलीसिया जान लेगी कि इसराइल में एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसका विश्वास जीवित परमेश्वर पर है। बोलता है लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई परमेश्वर की है। आमीन, आमीन। इसीलिए विश्वास के साथ घोषणा करता है तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। हाथ में क्या है? लाठी। लाठी से सिर धड़ से अलग नहीं होता। हाथ में क्या है? गुलेल और पत्थर। इससे सिर धड़ से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन गुलेल लाठी को हाथ में लेकर विश्वास के साथ बोलता है तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। आमीन। ये विश्वास है, ये जीवित विश्वास है। ये उन बातों को बोलता है जो बातें है ही नहीं। तलवार हाथ में है ही नहीं और सिर काटने की बात दाऊद करता है। आमीन, आमीन। यह है जिंदा विश्वास। यह है जिस विश्वास के द्वारा काम होता है। हम सोचते हैं पैसा तो है ही नहीं, बेटी का ब्याह कैसे होगा, पैसा तो है ही नहीं, मकान कैसे मिलेगा, पैसा तो है ही नहीं, प्लॉट कैसे खरीदेंगे। इधर दाऊद के पास तलवार तो है ही नहीं, बोलता सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन, आमीन। हम रुपए पैसे पर अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखते, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो बगैर तलवार के ही सिर को धड़ से अलग कर सकता है। आमीन। और क्या करता है? गुलेल लेकर दौड़ता है, 5 पत्थर उठाए थे, एक ही पत्थर को गुलेल में लगाता है, खींच कर मारता है, सीधा गोलियत के माथे में जाकर लगती है। एक पत्थर लगते ही इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा योद्धा ढेर हो जाता है, मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। हालेलुया। और जैसे गिर पड़ता, दाऊद दौड़कर इसके शरीर के ऊपर चढ़ जाता और देखता तलवार तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन खुदा बोलता है सिर भी गोलियत का होगा, तलवार भी गोलियत की ही होगी। आमेन। और गोलियत की तलवार उसकी बयान से खींचता है, गोलियत के सिर को धड़ से अलग कर देता है। जो विश्वास बोलता है
वही तो होता है। दाऊद का विश्वास बोलता है, गोलियात के सिर को धड़ से अलग करूंगा, चील कौवों को खिला दूंगा। और जैसा विश्वास बोलता है वैसा ही तो परमेश्वर करता है। लोगों के विश्वास भरे हुए होते हैं, लोगों के विश्वास बोलते नहीं हैं, लोगों के विश्वास घोषणा नहीं करते हैं। आज से इस बात को सीख ले, अगर विश्वास जिंदा है तो विश्वास बोलेगा। आमीन, आमीन। विश्वास बोलेगा, आज ही गरीब हूं, कल से अमीर होने के लिए जा रहा हूं, अब गरीब नहीं रहूंगा। विश्वास बोलेगा, आज कितने का भी कर्जदार हूं, आने वाले समय में सारा कर्जा परमेश्वर जीरो करने के लिए जा रहा है। विश्वास बोलता है, मेरा बंद कारोबार यीशु के नाम में खुलने के लिए जा रहा है। विश्वास बोलता है, मेरी बेटी की शादी होने के लिए जा रही है। विश्वास बोलता है, मेरे बेटे की शादी होने के लिए जा रही है। विश्वास बोलता है, मैं बांझ औरत बच्चा पैदा करने के लिए जा रही हूं। विश्वास बोलता है, हालेलुया। लोगों के विश्वास बोलते नहीं है, क्योंकि लोगों के विश्वास मरे हुए विश्वास है। मरे हुए विश्वास से कुछ नहीं होता, मुर्दा तो पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार से मुर्दा विश्वास दिल में पड़ा तो रहता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। आपका विश्वास अगर जिंदा है तो विश्वास मुंह पर आएगा और आपकी जुबान से बोलेगा। आमीन, आमीन। लोग मुझे बोलते थे, इसके माँ बाप इसके साथ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई गारंटर नहीं, कौन इसे अपनी लड़की देगा, इसका ब्याह नहीं होगा। मेरा विश्वास जिंदा था, मैं बोलता था, मेरी शादी होगी, मेरी बीवी पढ़ी लिखी होगी, मेरी बीवी सरकारी नौकरी पर होगी, मेरी बीवी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा करेगी। और मेरा विश्वास जिंदा था, इसलिए बोलता था। और जो जिंदा विश्वास बोला करता था, वही मेरे जीवन में होने के लिए गया हुआ। आमीन, आमीन। वही मेरे विश्वास, हालेलुया। मेरा विश्वास जो बोलता था, मेरी जिंदगी में वही हुआ। मुझे परमेश्वर ने बेटी दी, मैंने बोला वकील होगी, मैंने बोला वकील होगी, हाई कोर्ट में वकील है। मैं बोला करता हूं, मेरी बेटी जज बनेगी और मेरी बेटी जज बनने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। मेरा बेटा चोटाई था, पैदा ही हुआ था छोटा सा बच्चा, मैं बोलता था मेरा बेटा डॉक्टर होगा, और अभी 6 महीने के अंदर अंदर मेरा बेटा कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है। क्योंकि जिंदा विश्वास बोलता है, और जो विश्वास बोलता है वही परमेश्वर हमारे लिए करता है। लोग लाचारियों में पड़े रहते हैं, लोग बीमारियों में पड़े रहते हैं, लोगों के हालात बदलते नहीं हैं, क्योंकि लोगों के विश्वास मुर्दा विश्वास है। हाय पास्टर जी मर गया, हाय दर्द हो गया, हाय पास्टर जी दुआ करो, मर गया, मर गया, उसका विश्वास मर गया। जिंदा विश्वास मरने की बात नहीं करता, जिंदा विश्वास तो मौत के बाद भी जीने की बात करता है। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे गरीबत में भी हो, आने वाले समय में वो धनी बनकर रहेगा।
आमीन। जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे आज बीमार हो लेकिन कल वो चंगा होकर रहेगा। हालेलुया। विश्वास उन हालातों की बात नहीं करता जो हालात चल रहे हैं, विश्वास उन हालातों की बात करता है जो हालात आने वाले समय में बदलने के लिए जा रहे हैं। मरा हुआ विश्वास बोलता है मैं गरीब हूं, मरा हुआ विश्वास बोलता मैं लाचार हूं, मरा हुआ विश्वास बोलता मैं बीमार हूं, मैं कर्ज में हूं। जिंदा विश्वास बोलता है मैं कर्ज में नहीं, मैं बीमारी में नहीं, मैं लाचारी में नहीं, मैं समस्याओं में नहीं हूं। ये जिंदा विश्वास बोलता है। मरा हुआ विश्वास वो बोलता है जो देखता है, जिंदा विश्वास वो बोलता है जो अनदेखा होता है। आमीन आमीन। मैंने अमेरिका कभी नहीं देखा, मैं बोलता था मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं बोलता था मैं इंग्लैंड जाऊंगा, मैं बोलता था मैं देश देश की यात्रा करूंगा। मैंने कभी यात्रा नहीं की, मैंने कभी फ्लाइट देखी नहीं थी, लेकिन मेरा विश्वास जिंदा था। वो बोलता था उन बातों को जो मेरे जीवन में नहीं हुई थी, और वैसा ही मेरी जिंदगी में हुआ जो मेरा विश्वास बोलता था। आमीन। आपका विश्वास क्या बोलता है आपके जीवन में वही होने के लिए जा रहा है। आमीन आमीन। अगर आपका विश्वास बोलता है मैं आज की सुबह चंगा होने के लिए जा रहा हूं, आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका विश्वास बोलता है मेरे हालात बदलने के लिए जा रहे हैं, तो आपके हालात बदलने के लिए जा रहे हैं। आमीन।